highly informative. Okay, very good, very good. So we'll have maybe next Sunday or next to next Sunday your webinar. Give me up to 15 December time, sir. Now I'll request Mr. Pitambaram ji to have his 10-15 minute presentation on the various spreadsheets what he's posting in the group. So now over to Mr. Pitambaram. Good morning, everyone. Yeah, good morning. Pitambaram ji, aap start kijiye. Yeah, are you able to see my screen? Yeah, right. We can. Yes. This is an Excel created for each individual where you can add your own script, you track your profit and loss, track the percentage strength of the script. Suppose now I want to track TCS. I just have to add TCS and it will give me all the details. No, but मैंने try किया मुझसे नहीं हो रहा था ये. सर जी आपको क्या करना है फाइल में जाना है copy करना है आपका नाम से आप इसको सेव कर दीजिएगा अभी सपोज आपको प्रदीप लिख के आप उसको सेव कर देंगे तो ये आपके इसमें सेव हो जाएगा तो मेरे को गूगल में सेव करना है या मेरे को एक्सेल शीट में सेव करना है आपके गूगल में अच्छा गूगल में सेव करना है ओके आपके गूगल में सेव हो जाएगा फिर उसके बाद में आप ही को सिर्फ एक्सेस है उस शीट का फिर आपको जो स्क्रिप्ट आपका पोर्टफोलियो डालना है आप इधर डाल सकते हो आपने कितने बाय किया कितना क्वांटिटी बाय किया बाइंग वैल्यू डालोगे तो ये सब अपने आप कैलकुलेट करके बता देगा अच्छा तो लेकिन जो मैं स्क्रिप्ट का नाम डालूंगा वो गूगल स्प्रेड से कैसे टैली करेगा मतलब मेरे को नाम कौन से फॉर्मेट में डालना है आपको सिंबल डालना है एनएससी का सिंबल अच्छा एनएससी का सिंबल डालना है ओके इधर मैंने देखिए इसमें एक फॉर्मूला डाला है nsc.colon.acc करने के लिए ये दोनों को क्लब करके ये डाल देगा अपने आप अच्छा और आप 150 स्क्रिप्ट तक डाल सकते हैं इसके अंदर ओके मैंने 158 तक का ऑप्शन दिया है मैं इसके लिए ये हाइड करता हूँ क्योंकि ये काम का नहीं है अगर सपोज यही चीज अगर आप समझो कोई गलत टाइप करते हो हमको भारतीय एयरटेल करना है मैंने सिर्फ इतना टाइप किया तो इधर एरर दिखाएगा क्योंकि मैंने सिर्फ BHARP टाइप किया है ये मैं अगर भारतीय एयरटेल टाइप करना है मुझे तो मैं जैसे ही भारतीय एयरटेल टाइप करूंगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा अगर मेरा स्क्रिप्ट गलत है तो वो दिखा देगा गलत है okay. अब यहाँ पे मैंने क्वांटिटी नहीं डाला है प्राइस नहीं डाला है इसके लिए वो प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है अगर जैसे ही मैं क्वांटिटी डालूंगा तो प्रॉफिट भी दिखाएगा मेरा एक्सक्यूज मी आपके कॉलम क्या क्या बता रहे हैं उसमें हेल्प नहीं आएगा सिंबल का क्या आएगा सिंबल का हेल्प नहीं आएगा कभी के हमको कोड ख्याल नहीं रहता है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं सर हेल्प नहीं आएगा इसमें क्योंकि आपको इसमें कौन सा स्क्रिप्ट है कैसे मुझे पता रहेगा सर नहीं नहीं ऐसा नहीं है नहीं मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम भारतीय एयरटेल डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट जैसे एनएससी का कोड आते हैं ना जो वो हेल्प में इधर आ सकता है कि नहीं नहीं आ सकता सिलेक्शन करने के लिए नहीं आएगा सर नहीं आएगा उसमें क्या है उसमें मैं स्क्रिप्ट लिस्ट डालूंगा फिर हर आदमी को स्क्रिप्ट लिस्ट से चेक करना पड़ेगा नया स्क्रिप्ट आएगा तो क्या करोगे आप नहीं वो समझ गया लेकिन सिस्टम जो अभी ये गूगल फाइनेंस से आ रहा है ना जो तो अल्टीमेटली आप मेरे को एक चीज बताइए आप ट्रेड करने के लिए कोई ना कोई स्क्रिप्ट को बाई करने के लिए उसका सिंबल तो देखोगे ना क्या बाई कर रहे हो हाँ सिंबल नोट करके रखना है आपको ठीक है आप ट्रेडिंग बिना सिंबल के तो ट्रेड नहीं करोगे ना सर आप ट्रेड करोगे तो सिंबल तो ट्रेड करोगे ना मार्केट वॉच में लगाओगे तो सिंबल तो अपने आप आएगा उधर एनएससी का आपको इसमें बीएससी का काम नहीं आएगा क्योंकि बीएससी का फॉर्मूला अलग है नहीं वो बात सही है काम आएगा नहीं बीएससी इसमें नहीं आ सकता आई एग्री खाली आ सकता है लेकिन उसके लिए फिर मेरे को चेंजेस करने पड़ेंगे तो जो बीएससी के स्क्रिप्ट है उसका नंबर डालना पड़ता है कोड नहीं डालता है नंबर चलता है मैं बीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं खाली ऐसा ही बोल रहा हूँ कि ये एनएससी का जैसे भारतीय डे लिखने के लिए अपने को एनएससी से नहीं मेहता जी सुनिए प्रॉब्लम ये है कि एनएससी के अंदर 3000 स्क्रिप्ट ट्रेड हो रही है अब इनको अगर वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो 3000 स्क्रिप्ट का वो उनको ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा तो इतना काम तो अपन कर ही सकते हैं ना कि अपने भारतीय एयरटेल का दूसरा चीज प्रॉब्लम क्या है दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मैं हर में ड्रॉप डाउन थोड़ी दे सकता हूँ अलग अलग एंट्री करोगे हर में मैं कैसे ड्रॉप डाउन दूंगा यू आर राइट आप प्रॉब्लम भी तो समझिए ना ठीक है आप तो मार्केट वॉच तो लगाएगी ना सर करने के लिए उसका लिख के रख लीजिए आप क्लियर
प्रीतम भाई सर आपके इसका लिंक भेज दीजिए ना सर, मैं पहली बार इंटरेस्टिंग लिंक भेजा हुआ है मैंने सर। कब भेजा सर, आज भेजा या थोड़े दिन पहले? सर ये देखिए, ये मैंने भेजा है, रिसेंटली रजिस्टर किया इसलिए मेबी आई डोंट हैव। वो अभी 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 भेज देंगे आज वापस से जो है। थैंक यू सो मच, जो सारा का सारा जो डिस्कस कर रहे हैं ऐसा लिंक भेजा हुआ है। ओके अच्छा मैं देख लेता हूँ सर, अगर आप भेज देंगे फिर से तो इट विल बी ग्रेटफुल सर। ठीक सर। ओके अब ये हुआ, ये जिसको आपका पोर्टफोलियो जिसको ट्रैक करना है और उसका परसेंटेज स्ट्रेंथ, मतलब अपना जो चुनिंदा शेयर है उसी का परसेंटेज स्ट्रेंथ दिखाएगा, बाकी सब स्क्रिप्ट का दिखाएगा नहीं जो मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ मेरे पोर्टफोलियो का दिखा देगा कि ये परसेंटेज स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, ये परसेंटेज स्ट्रेंथ का क्या मतलब है थोड़ा बताएंगे आप? ये सब स्टैंडर्ड डिविएशन का है, ये बेसिक कैलकुलेशन हम जो इसका जो कैलकुलेशन कर रहे हैं मीन कैलकुलेट करते हैं, ये इसमें 25 दिन का मीन कैलकुलेट करते हैं, फिर 25 दिन का स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद में 25 दिन का फिर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम परसेंटेज में लिखते हैं। तो जो स्क्रिप्ट 0% में है वो बाइंग के लिए अच्छा है, जो स्क्रिप्ट 99% में है वो सेलिंग के लिए अच्छा है, यानी अगर आपके पास जीपे में है तो आपको उसमें से निकलना चाहिए। अगर आप पूरा नहीं निकलते हो तो एटलीस्ट 50% तो आप निकल ही जाओ, और जब वापस वो अच्छा स्क्रिप्ट है नीचे आ गया आप सिर्फ वापस बाय कर लो उसको। ये से पहले वाला कॉलम क्या है, एक्सपेक्टेड लो प्राइस, व्हाट इज दैट? ये क्या है, अगर परसेंटेज 99.23 है तो 0% आने में ये कितना नीचे आ सकता है? अच्छा, और ये 100% जाएगा तो ये कितना तक जा सकता है? ओके ओके क्लियर। तो ये 0% और 100% का फिगर डाल दिया है मैंने ताकि आदमी को समझ में आएगा, चलो ये अभी इतना नीचे और आ सकता है तो मैं इंतजार कर सकता हूँ। तो प्रीतम जी करें, बहुत बढ़िया काम किया सर आपने, बहुत हेल्पफुल लगेगा। हाँ सर, क्योंकि सर डाटा तो हर जगह मिलता है लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, एनालिसिस नहीं मिलता है। ये एनालिसिस मैं देता हूँ पूरे स्टॉक का, एफ एंड ओ स्टॉक का, लेकिन हो सकता है उसमें आपके 10 स्टॉक ही आपके है तो आपको पूरा ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, आप अपना पोर्टफोलियो का बना दीजिए, अपने आप अपने स्टॉक का स्ट्रेंथ आ जाएगा। करेक्ट सर, मोमेंटम स्टॉक्स, हाँ ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। तो सर इसका देखिए, इसमें सब कैलकुलेशन है, अगर आप देखोगे मीन कितना है 24 दिन का मीन कितना है, 24 दिन का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 124 दिन का मीन कितना है, 124 दिन का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 256 का मीन कितना है, सब कैलकुलेशन इसके अंदर है सर, कोई भी कैलकुलेशन उसमें से छुपाया नहीं है, आपको यहाँ फॉर्मूला में सब दिख रहा है। फॉर्मूला दिखेगा पीताम्बरम जी, एक दो क्वेश्चन थे मेरे, बोलिए। ये जैसे आपने अभी बताया कि जो स्मॉल टाइम फ्रेम परसेंटेज स्ट्रेंथ जैसे 9.23% है, सो दैट मींस दिस स्टॉक इज गुड टू बाय एट द करंट प्राइस, राइट? नो, यू शुड बाय ऑलवेज बाय बिटवीन 1 and 0, 1 and 0, दैट मींस 1%। या अभी आप देखिए कोई स्क्रिप्ट पर नाम डालिए दो चार और, तो अभी आइडिया लग जाएगा। अभी आपको एकदम नीचे देखिए बीपीसीएल, अब बीपीसीएल में देखेंगे तो अभी ये 1.41 है मीडियम में, मैंने आपके लास्ट टाइम भी ग्रुप में बताया था कि आप एवरेजिंग के लिए बीपीसीएल ले सकते हैं, तो आप एवरेजिंग में वापस बीपीसीएल ऊपर चला गया, राइट? तो वो चीज क्या है, 0% क्या आया तो हम बाई करना चालू कर देते हैं। मीडियम में 1.4 आया है, स्मॉल में तो 16.35 है सर, उसमें तो हमने पोजिशनल ट्रेडिंग 1.64 ही ले रहे हैं ना सर, 124 डेज का ही ले रहे हैं ना पोजिशनल बाइंग के लिए। ये क्या शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए है सर, जिसको आज लेना है 3 दिन के बाद बेचना है, 4 दिन के बाद बेचना है, 10 दिन के बाद बेचना है, ये पोजिशनल ट्रेडर के लिए है, और ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जिसको 10 साल रखना है 20 साल रखना है उसके लिए है ये। तो इस हिसाब से अगर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूं तो बीपीसीएल एट द करंट रेट विल बी अ गुड बाय, राइट सर? नो, इट हैज, इट कैन कम डाउन टू 341 लेवल्स और 343 एंड 341 लेवल्स। ओके ओके, सो यू कैन स्टार्ट एक्युमुलेटिंग इट बट नॉट एट वन गो, ग्रेजुअली। जो मैंने उस दिन आपको एक शीट बनाया था कि आप ग्रेजुअली एक्युमुलेट करते जाओ ताकि आपका बाइंग प्राइस हमेशा लोएस्ट लेवल पे रहेगा, यू डबल द क्वांटिटी और एक फिक्स प्राइस पे आप बाई करते जा रहे हो, आप 2 रुपए पे बाई करो, 2% के बाई करो, डिफरेंस पे 3% पे करो, 5% पे करो, वो अपने ऊपर है कितना टक्का आपको डिफरेंस रखना है बाई का। ओके, बट इट शुड बी दैट एटलीस्ट आपको अच्छे क्वांटिटी मिलने चाहिए जब तक वो रिवर्सल होवे,
तो आप ज्यादा दूर रखोगे तो आपको एक दो ट्रेड ही होगा, तो आपका कैपिटल बने, ये बनेगा नहीं, पोर्टफोलियो बनेगा नहीं। तो ज्यादा डिफरेंस भी नहीं रखिए, छोटा डिफरेंस रखिए पहले में। अगर आपको 33% मिल जाता है मार्केटेबल लॉट का, फिर आप गैप बढ़ा दीजिए। पहले 33% को तो आप नजदीक में एक्यूमुलेट कर दीजिएगा। एक एग्जांपल के साथ बताएंगे सर? सर एग्जांपल के साथ में आपको BTCL का ही जैसे है, BTCL का ही ले लेते हैं। आपको यू डोंट हैव टू गो बैक टू एक्चुअल फिगर्स, आई मीन यू कैन जस्ट से, आई कैन शो यू एक्चुअल फिगर्स सर। सी व्हाटएवर इज देयर वी हैव टू सी विद एक्चुअल फिगर्स सो वी गेट कॉन्फिडेंस सर। राइट सर। आज मैं कोई भी एक ऐसा ही वैल्यू बताऊं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये देखिए मैंने निफ्टी 50 का लिया है, ये स्ट्रीट भी सबसे से मैंने शेयर किया है। अभी देखिए, अभी इसके हिसाब से मुझे BPCL एक्यूमुलेट करना था, मेरा ये 371 तक एक्यूमुलेशन हो गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है 371 तक मेरा एक्यूमुलेशन हो गया है, हर 1.5% में मैंने खरीदा है। आज मैं 5000 के प्रॉफिट में हूं, 1.94% मेरा रिटर्न है 16 नवंबर से लेके 3-4 दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक 2% का प्रॉफिट आ चुका है, क्योंकि मैंने एक्यूमुलेशन चालू किया था तब ये 0% था, अब ये 1.41 हो गया, 0.28-0.3 से मैंने चालू किया था। यहां पे आपको कौन से स्क्रिप्ट कितने लेवल पे, आप ऐसे देख सकते हो, अभी सबसे कम है हीरो मोटरकॉप, तो आप हीरो मोटरकॉप चालू कर सकते हो एक्यूमुलेशन। बट एक्यूमुलेट करते समय एक ही स्टॉक एट ए टाइम आप एक्यूमुलेट कीजिए, मल्टीपल स्टॉक्स मत कीजिएगा। एक जब पूरा हो जाता है, ऊपर गया, फिर आप दूसरे स्टॉक को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। इसमें आपको सॉरी स्टॉक में आप ये लॉट साइज देखते हैं सर, मतलब यू वांट टू बिल्ड द लॉट साइज उस हिसाब से? व्हाई आई एम सेइंग लॉट साइज इज बिकॉज सर माय लॉजिक इज दैट यू शुड बी इन ए पोजीशन टू लॉक योर प्रॉफिट, फॉर दैट यू नीड 33% ऑफ द लॉट साइज कॉल और पुट में खेलने के लिए। बाद में जब प्रॉफिट में आता हूं तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं कॉल और पुट में खेलूं तो मेरे पास मिनिमम 33% शेयर्स होने चाहिए, तभी मैं फिर प्रॉफिट लॉकिंग कर सकता हूं। राइट जी। तो उसके लिए मैं 33% पे ज्यादा जोर देता हूं। 33% के बाद आपका जो बाइंग है आप उसका डिफरेंस बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी कम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके। और इसमें जैसे अभी ये रिटर्न्स आ रहा है, ये वैसे आपको कलर भी करके दिखाएगा। अभी ये क्या है, मैंने पहले इसको कैलकुलेट किया था, अब बाद में अगर आपको किसी को दूसरे का कोई देखना है तो आप यहाँ पे वो स्क्रिप्ट पे भी यूज कर सकते हो कि मेरे को हिंडाल्को देखना है तो हिंडाल्को का नीचे कैलकुलेशन करके आएगा कैसे लेना है, क्या डिफरेंस है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, कहां तक नीचे आएगा, तो उसके हिसाब से मैं इसको एडजस्ट करूंगा। ये स्टार्टिंग प्राइस मेरा अभी 424 है, मैं इसको 424 कर दूंगा तो ये बाकी का कैलकुलेशन अपने आप कर देगा, ये 360 तक आएगा। तो फिर मेरे को प्राइस चेंज करना है, क्वांटिटी यहां पे भी मेरे को अगर क्वांटिटी चेंज करना है, मैं 4 कर दूं तो अपने आप ये सब बाकी का कैलकुलेशन कर देगा। तो मेरा टोटल कैपिटल इतना जाएगा, मेरा लॉस क्या होगा, वो सब कैलकुलेशन करते आएगा ये। रामराम जी, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये स्ट्रेटेजी से बेटर कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं है, वो नहीं है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ट्रैक कर रहा हूं, मैं निफ्टी 50 के बाहर जा भी नहीं रहा हूं, जो भी है निफ्टी 50 में है, तो इससे क्या है मुझे ज्यादा रिस्क नहीं रहता है। अब ये एक्सेल के बारे में किसी को कोई डाउट है तो फिर मैं दूसरे शीट पे चला जाऊं ताकि आइडिया रहे, फ्रेंड को सब मिले। सर BPCL जब आपने एक्युमुलेशन चालू किया 0% पे, तभी रेट क्या था? 419 रुपया से, मैं 0% नहीं, 1% से नीचे आता है तो मैं एक्युमुलेशन चालू करता हूं सर। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी को एक्युमुलेट करना है, यू कैन स्टार्ट एक्युमुलेटिंग हीरो मोटरकॉप, सबसे लोएस्ट हीरो मोटरकॉप है, तो हीरो मोटरकॉप को आप एक्युमुलेट कर सकते हो। पीतांबरम जी, यू कैन डिलीवर इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके सर, एज पर योर रिक्वायरमेंट आई विल शिफ्ट द लैंग्वेज सर। I can speak in Marathi, Hindi, English and Malayalam, whichever language you want. उसमें percentage strength इसका ज़्यादा है। हाँ, you नहीं नहीं, request is you make in English, whoever is asking in Hindi, you can ask them and answer okay, them. Okay, fine, sir, no issues. So isn't the English this Excel? It may be other way around. It may be other way around also. Let me speak in Hindi and you can ask in English anytime.
Sir, yeah, Axis Bank is okay, 1.07. Yeah, it is okay, sir, but whenever you get at a lower thing, you can go for the lowest thing, no, sir. Actually, sure. Axis Bank has come down. See, Axis Bank came down to 648 and now it has reached 672. It has started bouncing back. Okay. Now, because it's my banking, dusra kuch mil nahi raha hai, so if you want to have a banking, better Axis so, Bank. So, that's start Axis Bank, but that's what I'm saying. Now your chances of accumulating Axis Bank is low because it made a low and it started moving up. Now see, you have the high made is low made is 648 and now it is 672. अच्छा उस टाइम में इसका स्ट्रेंथ एक से भी कम था. हाँ सर. Okay. Not noticed. Now if you can track it, what I'm saying that you track Hero Motor Corp. Okay. Thank you. As of today, the price is 2465. See how much level it is coming down and how much level it is going up. Okay. Within a span of 10 days, you will be very clear what is to be done. No, no, correct. As Kotajari said, this is the best thing for long-term investments. अरे भैया, इससे कोई बढ़िया strategy नहीं है. जो ये strategy बताया ना, इससे बढ़िया कोई strategy मुझे नहीं मिला आज तक कोई भी. Thank you, sir. Real fantastic. Amramji, this percentage strength which you were showing in the previous sheet, that again is the short term or the medium term or long term? See, I am calculating 124 days, medium term. Medium term, okay. See, here it has been mentioned, medium term. Yeah, okay. No, in the other sheet, here it was, I was just wondering whether... Yeah, no, it is mentioned, no, sir, mean 124 days. Mean 124, fair enough. Yeah, everything has been mentioned, sir. Yeah, yeah. And why I am maintaining this high and low is that you can actually experience what was the... See, BPCL also, if you see, it made a low of 368. From 368, it has moved to 386. Right. So you can understand what is the low it has made after we have started accumulating it. You get the actual low from the day. Right. So there is no dispute, no... See, now one more thing. If you see here, the stocks which are at 99, Power Grid. Yesterday it went made a high of 216 and closed at 205. 10 rupees difference. Mm. The stock which goes to 99 and above, it will come down. So if you have in your portfolio, start selling it. Gradually. Don't sell it at one go. Pyramid selling also. Same way. Whenever it goes up, give a slight quantity. And whenever it comes down, you can accumulate it back so that it doesn't go from your portfolio. Right. So, sir, this Excel sheet you will be sharing after the webinar, right? Yeah, it has been shared. Again, I will be sharing it. No problem. Right. The problem that I'm facing is, Kothari ji, I am a member of four groups. I receive the same messages from all the groups. That is a bit difficult for me. अब आपने तीन ग्रुप तो छोड़ दिया ना? Now you are only छोड़ा कि इसीलिए सर वही मैसेज मेरे को सब में से आ रहा है और शाम को एक घंटा तो मैसेज डिलीट करने में ही लग जाता है. एक फोन का मेमोरी फुल हो जाता है. अच्छा. Instead of Telegram channel is better. Telegram group is better, right? अरे Telegram में Telegram के में क्या है कि लोग comfortable नहीं है. ये problem है. Telegram में बहुत issues है. नहीं सर, एक काम कर सकते हैं सर, आप टेलीग्राम में, सर एक काम कीजिए, आप टेलीग्राम में आप सबको ऐड कर दीजिए, जो भी लिंक शेयर करना है हम उसमें डाल देंगे. टेलीग्राम पर ग्रुप है ना? टेलीग्राम पर ग्रुप है? नहीं नहीं, है टेलीग्राम पर डालने का, लेकिन सब मेंबर्स नहीं हूं मैं ना उसमें. अच्छा, बट वो मेंबर इंडिविजुअल ज्वाइन करेंगे ना. आई कैन नॉट ज्वाइन देम, आई कैन नॉट ऐड देम ना. नहीं, वो लिंक आप शेयर कर दीजिए ना हर ग्रुप में, आप ज्वाइन टेलीग्राम खोल के. अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर मैं टेलीग्राम में अगर पोस्ट करूंगा सबको एक झटके में मिल जाएगा. जिसको चाहिए वो ले लेगा, जिसको नहीं चाहिए ले लेगा. ठीक है मैं व्हाट्सएप कर दूंगा. हां सर, व्हाट्सएप में भी स्टार मैसेज कर सकते हैं सो दैट पीपल कैन फाइंड. यार वो उसमें प्रॉब्लम ये है गौरव जी कि एक ग्रुप के अंदर 257 मेंबर ही है और यहाँ ग्रुप है 60. आई हैव 60 ग्रुप, तो किसी न किसी का वो रिक्वेस्ट आता रहता है. ये प्रॉब्लम है. कभी टेलीग्राम ग्रुप में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा. टेलीग्राम वाले में ज्यादा तक अलाउड है. टेलीग्राम लेट द पीपल हैबिट ऑफ दैट. अरे विजेंद्र, मैं बता रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप भी है बट इट इज नॉट एक्टिव. देर आर ऑलरेडी 3000 मेंबर्स आर देयर बट देर आर हार्डली एनी पोस्ट. नोबडी इज इंटरेक्टिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप. दैट्स द प्रॉब्लम. यहां नहीं, यहां पे आप मेक इट एज एडमिन ओनली मैसेज देन पीपल ऑटोमेटिकली गो देयर.
नहीं यार आई डोंट नो ठीक है नहीं नहीं आप ही देख लेके आपका टाइम देखो 60 ग्रुप एक एक मिनट देख दिए तभी एक घंटे में एक मिनट ही देख सकते हो आप माय रिक्वेस्ट विल बी सिंस दिस इज एन एक्टिव ग्रुप तो इसमें रहने दीजिए अभी इसको ऐसा चेंज मत लाइए आगे फिर देख लीजिएगा अगर क्योंकि वो नहीं मतलब मैं टेलीग्राम का भी एक ऑप्शन दे देता हूँ तो वी विल स्टार्ट पोस्टिंग इन द व्हाट्सएप एज वेल एज इन द टेलीग्राम सबको शेयर किया हुआ है ग्रुप में अगर आपको यहाँ जाके देखने में तकलीफ आती है आपको सिर्फ यहाँ ड्रॉप डाउन से आपको जो स्क्रिप्ट चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो वो वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखा देगा फिल्टरिंग अच्छा आपको अगर कोई भी स्क्रिप्ट चाहिए आप बोल दो स्क्रिप्ट उसका वैल्यूज इधर आ जाएगा तो यही चीज है वो 125 डेज 124 डेज एंड 256 डेज वो उसके लिमिटेड निफ्टी 50 के स्टॉक्स थे इसमें पूरे एफ एंड ओ के स्टॉक्स थे अच्छा सर बीपीसीएल आप जस्ट बीपीसीएल यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको बीपीसीएल का डाटा मिल जाएगा ऊपर आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है पीडीलाइट डालिएगा सर पीडीलाइट यस सर अरे तो आ जाएगा ना यार ये शिट देख लेना आप अभी बाइंग में नहीं आया यस बहुत बढ़िया बनाया बहुत बढ़िया इसमें क्या है सब आदमी को ये प्रॉब्लम आ रहा था स्क्रॉल करके ढूंढने में तो उसके लिए मैंने ड्रॉप बॉक्स भी आपको जो सेलेक्ट करना है वही आपको आएगा तो आपको वो भी वॉइस आपका क्लियर नहीं आ रहा है मैम बोलिए इसको भी हमने गूगल ड्राइव में सेव करना है ना गूगल ड्राइव में हे मैम ये हां जैसे जो भी 2% के नीचे वो कलर हो जाएगा ग्रीन कलर और जो भी 99 के ऊपर 98 के ऊपर है वो रेड कलर हो जाएगा If the stock has got potential to move up further, whether it is small, short term or long term, would always like to buy. Why should the strength change so much from 7% to 63%? नहीं नहीं राम ये इन्होंने जो डेटा बनाया है ना राम इनका जो डेटा है ये हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर है आप जो बात कर रहे हैं वो फ्यूचर पोटेंशियल पे बात कर रहे हैं तो ये फ्यूचर पोटेंशियल पे नहीं देने वाला है ये हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर है तीनों का तीनों 7 दिन 15 दिन 30 दिन और 256 डेज जो उन्होंने लिया है ना If you wanted to buy for short term, you look into your only the short term. Don't look the other two values. Hey, that is fine. Why are you looking at the other two values then? नहीं इनका क्वेश्चन ये कि 63 क्यों आ रहा है 63 क्यों आ रहा है लॉन्ग टर्म के अंदर सर जी अगर मैं 256 डाटा का वैल्यू निकालूंगा मीन तो उतने अगर लो भी होगा ना उसके अंदर सर कितने दिन तो लो में भी होगा तो उसका मीन तो अलग ही आएगा ना सर ये तो देखिए सर मैं एग्जांपल समझाता हूँ स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज सो वो क्यों आ रहा है दैट प्रोबब्ली इज नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क इफ आई मिस सर मैं बताऊं क्यों आ रहा है सर सपोज करो कि हम निफ्टी के ही ले चलते हैं सर एक टाइम फ्रेम लेते हैं 7 डेज का एक टाइम फ्रेम देते हैं 1 महीने का और एक टाइम फ्रेम देते हैं 1 साल का अगर मैं 7 डेज का सर देखता हूँ तो निफ्टी कहाँ से कहाँ तक भरी किया 70,000 से लेकर 70,600 तक भरी किया तो मैं आज का दिन स्ट्रेस निकालता हूँ 15,200 पे है तो ये सर आपका बॉटम से 200 रुपए ऊपर बढ़ा हुआ है यानी इसका स्ट्रेस सर 20 के आसपास आएगा
अगर मैं एक मंथ का टाइम फ्रेम लेता हूँ तो एक मंथ के टाइम फ्रेम के लिए 1700 से लेकर 18,000 तक सपोज करो गया हुआ था, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम सर वो देखता है बॉटम्स कितना ऊपर गया है। अगर मैं एक साल का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ मतलब लास्ट एक ईयर का डाटा, तो लास्ट एक ईयर में से 10,000 से लेकर 18,000 तक गया हुआ था, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ सर 80% आ गया कि बॉटम से कितना अबव है। इसका जब अलग अलग टाइम फ्रेम लेते हैं तो अलग अलग परसेंटेज आ रहा है। अगर आप एक सिर्फ वन डे टाइम फ्रेम लोगे तो वन डे टाइम फ्रेम में अगर सपोज करो सिर्फ दिन में वेरी किया 17,100 से 17,300 तक, तो जब 17,100 रहेगा ना तो उसमें सर स्ट्रेंथ 0% के आसपास होगा, 5% होगा, और जब वो बढ़ के 17,200 या 300 तक गया होगा तो उसमें स्ट्रेंथ सर 90% आ जाएगा। तो आप किस टाइम फ्रेम पे काम करते हैं ना उस बेस पे वो सब बता रहा है कि इस टाइम फ्रेम में आप सही प्राइस पे ले रहे हो या हाई प्राइस पे ले रहे हो, इसका आंसर ये वेरी कर रहा है। एक ही शेयर है अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना मंजेश जी की लॉन्ग टर्म पे बहुत ज्यादा परसेंटेज दिखा रहा है तो नहीं खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो खरीद लो। आप क्या कहना चाहते हो रामकृष्ण जी, आप क्या देखना चाहते हो? I want to invest in Pidilite for a long term. Just a second. I will give you an answer. You're in the values. Now you want this thing to be seen, no? Good that you showed. Initially you said no, but now no, why I'm saying is that why I'm saying this is, agar aapka short time frame hai, agar it is important. Why I am telling is, I ask such question, it has got a base. TCS is a classic example. No, but you said, why is it 76% when short term it is 7%? Now, if you look into RSI... So, I will not go at this price for TCS, you know, for a long term at all. I will wait. Suppose I want to, invest TCS like index funds. I'm not going to do it right now. So, that is now, suppose question. You have that a stock in TCS. No, if you have TCS, what you will do? No, I will not go for, buying for long term. Maybe I will go for selling. Even short term also 99.07 from there TCS has gone up to 100-200 rupees at 99 also. So I can't say that short term 99 ho gaya, it will not raise further. Sir ji, okay. you had answered this question there. Maine ye kaha tha, 99 to 99.9 itself, the difference is up to 150 rupees. Yeah, you had shown it. You had shown it in your earlier zooms. Yeah, that is one standard deviation. But I will not sell it in one go, sir. I will stagger and sell it. That's fine. I will not sell it in one go. Today it is 99. I will sell all my holdings. I will sell 5 shares. Then after 20 rupees, I will sell 10 shares. After 20 rupees, I will sell 40 shares. Up to whatever level it goes, I will keep on selling, sir. That's fine. I will buy it back. If I don't sell it. जी, मैंने टीसीएस के अंदर वही किया था। टीसीएस में मैंने कोई 3,500 में मैंने एक लॉट खरीदा था कैश में, वो फिर मैं 3600 से बेचना चालू किया और 3665 तक जा तक मैंने बेचा उसको। तो मैं धीरे धीरे जो आप बता रहे हैं पिरामिडिंग मैंने वैसे ही करके बेचा है। अब नीचे आया, खरीद लो वापस। नीचे आएगा तो हाँ, आई हैव अ चॉइस टू बाय इट अगेन। तो आपका क्या है ना, वो पानी एक जगह पे स्टैग्नेंट ही रहता है। आप उसको हिलाते रहते हो, ऊपर जाते समय बेचते रहते हो, नीचे आते समय खरीदते रहते हो। अभी ये नहीं बोलता हूँ आप 0% का इंतजार करो, 5% 10% मिला फिर कवर कर लो, फिर जब 99 जाएगा फिर आप बेचो। तो आपका वो चेंज होते रहेगा। यू विल बी सेलिंग इट व्हेन इट गोज अप, यू विल बी बाइंग इट व्हेन इट कम्स डाउन। तो आपका भी आपका नेक्स्ट वाला शीट लीजिए, बिकॉज़ देन आई विल बी स्टार्टिंग। अभी एक सीपीआर का एक शीट सबको डाउट था, कैसे वो परसेंटेज खेलना है। एसआरटी का कैलकुलेशन इसके अंदर है, बेस्ड ऑन वीकली चार्ट, बेस्ड ऑन डेली चार्ट। ये एसआरटी के वैल्यूज है, ये टॉप के 155 पे कितना आ सकता है और बॉटम में 0.55 पे कितना आ सकता है और अभी का वैल्यू क्या है, ये दोनों कैलकुलेशन इसके अंदर है। ये क्लाइंट सीपीआर के अंदर एसआरटी बोल के एक शीट है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। बट ये एसआरटी का मतलब क्या है तो बताइए पहले, डीएसएमए और एसआरटी का मतलब क्या है? देखिए सर, वो ग्रुप में डाला था मैंने कैलकुलेशन, मैं सिर्फ एक्सेल कैलकुलेशन करता हूँ सर। अच्छा अच्छा, मैं एसआरटी का उन्होंने दिया था, एक मिनट, स्पेकुलेशन रेशियो टेरिटरी,
तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये जनरली क्या होता है सर, 124 डेज का आप एवरेज निकालते हो और 124 डेज का एवरेज के हिसाब से आप डिवाइड करते हो प्राइस को, करंट प्राइस को. अगर प्राइस, करंट प्राइस नीचे है तो एक के नीचे आ जाएगा, करंट प्राइस ऊपर है तो एक के ऊपर आ जाएगा. तो ये मैक्सिमम 1.55 तक जा सकता है और नीचे में 0.55 तक आ सकता है. तो इससे क्या इन्फ्रेंस निकालना है हमारे को? इन्फ्रेंस क्या निकलेगा सर? इन्फ्रेंस ये निकलेगा सर कि जैसे अभी ये 1% है तो ये कोई भी साइड भाग सकता है निफ्टी. जैसे ही ये जीरो नीचे आने लगेगा तो आपको ये देखना है कि 0.55 तक आते ही उधर सपोर्ट आ जाएगा. अच्छा. और ये आपको डेली चार्ट में भी अलग आएगा, वीकली चार्ट में अलग आएगा, क्योंकि वीकली का क्लोज ले रहा है वो, ये डेली का क्लोज दे रहा है. बट आपको पहले वाला शीट ज्यादा, मतलब ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है हमको. हम वो परसेंटेज स्ट्रेंथ है सर, आइटम बहुत रहते हैं, जितना आपको देखना है आप देख सकते हो. काफी आइटम्स है इसके अंदर सर, आपको जो देखना है. मेरे पास मोस्टली सब है, लेकिन मैं क्या है सब इसके लिए एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा सब में. तो एक चीज रहेगा, उसको एक फॉलो कर सकते हैं. अगर बहुत ज्यादा होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. एक दो मैं सब कुछ बताता नहीं हूँ, मैं छोटे छोटे जो इजी है वही बताता हूँ ताकि आदमी इजीली फॉलो कर सके. वही पहले वाली शीट अच्छी थी सर. हाँ, पहले वाला शीट ज्यादा जमा मेरे को, क्लियर आ रहा है. पिरामिड पाइंग और ये क्लाइंट व्यू आप देखोगे तो उसमें आपको 99% मोस्टली सब सॉल्व हो जाएगा. अगर आपके पास ऐसा कोई है कि ये स्क्रिप्ट आपके पास नहीं है इस लिस्ट में, आपको सिर्फ क्लाइंट होल्डिंग में वो स्क्रिप्ट डाल दीजिए, आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा. अभी एबीबी उसमें नहीं है, मैंने एबीबी यहाँ डाल दिया, मेरे को एबीबी का परसेंटेज स्ट्रेंथ यहाँ मिल जाएगा. मतलब आपको कोई स्क्रिप्ट का नहीं मिल रहा है उधर, आप सिर्फ उसको इसमें डाल दीजिए, आपको स्ट्रेंथ यहाँ मिल जाएगा. वही कैलकुलेशन है, कोई चेंजेस नहीं है. तो ऑप्शन मैंने आपको सब दिया है, एनी स्टॉक फ्रॉम एनएससी यू कैन ऐड हियर. इतना ही है, जो नए लिस्टेड है वो आपको 256 में कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि उसका डाटा उतना जूना नहीं है. वो हमें केयर करना चाहिए कि जो 256 डाटा के पहले है, जैसे अभी नया कोई नए का रजिस्टरिंग हो गया, उसको आप देखोगे तो नहीं आएगा उसमें डाटा, आपको सिर्फ पहले वाले में आएगा, दूसरे दो में नहीं आएगा क्योंकि उसका उसमें हिस्टोरिकल डाटा नहीं है. अब इतना मैंने एक्सप्लेन किया है, मेरा जो भी शीट्स का रिसेंटली मैंने जो भेजा है उसके अलावा जो है मैं नोटपैड में बना के या मेल में बना के आपको भेज दूंगा. या सारा का सारा जो है ना इसका थोड़ा भेज दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है सर. ओके मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ. या थैंक यू वेरी मच. आपको तो जबरदस्त है. थैंक यू आपका जो ये